गुड मॉर्निंग क्लास हमने अपने पिछले लेसन में देखा था वॉट इज अ केमिकल चेंज एंड वी टूक वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ अ केमिकल चेंज नाउ वी विल बी स्टडिंग द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉमन कॉजिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मतलब क्या रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आते हैं देर आर थ्री रीजन्स फर्स्ट वन इज मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तब ये चेंजेस आ सकते हैं ऐसा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है वेन वी मिक्स सॉल्ट एंड वाटर, तो एक सोल्यूशन बनता है जिससे कि हम वापस इवेपोरेशन की प्रोसेस से हमने सीखा था कि वापस हमारा सॉल्ट हम ओरिजिनल जैसे वापस वी कैन ऑप्टेन इट नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ केमिकल चेंजेस जब हम टू एंड मोर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं यहां पे हम एग्जाम्पल लेंगे लेमन जूस मतलब नींबू का जो रस होता है वो एंड बेकिंग सोडा का सो so, अगर आपके पास घर में ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये एक्टिविटी आप भी कर सकते हैं दो चीजें चाहिए लेमन जूस लेमन जूस के अलावा अगर लेमन जूस नहीं है तो विनेगर भी डालेंगे तो भी सेम तरीके से ही रिएक्ट करेगा अगर उसको हम बेकिंग सोडा के पाउडर में मिक्स करते हैं तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे बेकिंग सोडा नीचे है बट वेन वी एड लेमन जूस टू इट तो ये ऐसे झाग बनने लग जाता है और एक फिज की आवाज भी आती है इसमें यू कैन ट्राई दिस एट होम अगर आपके पास बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस या फिर विनेगर है ये दोनों आपस में मिक्स करके अ गैस इज रिलीज दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिमिलरली जैसे हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी वो गैस रिलीज होती है व्हेन वी ओपन द बॉटल इसमें भी बेकिंग सोडा में विनेगर या फिर लेमन जूस डाल के दिस रिएक्शन हैपन्स तो दिस वॉज अ केमिकल चेंज जहां पे हमने दो रिएक्टेंट्स दैट इज विनेगर एंड लेमन जूस एंड दूसरा रिएक्टेंट है बेकिंग सोडा इन दोनों को आपस में मिक्स किया तो एक रिएक्शन हुआ एंड अ न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म विथ एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज तो दिस वाज अ केमिकल चेंज वेथ टू टू सब्सटेंसेज वर मिक्सड नेक्स्ट रीज़न और और ऑफ़ फिजिकल केमिकल चेंज होता है हीटिंग एंड कूलिंग हमने ये बहुत बार देखा है बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं हाउ हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट्स एनी सबस्टेंस तो पहले हम देखेंगे हाउ हीटिंग एंड कूलिंग हैपन्स इन अ फिजिकल चेंज वेरी कॉमन एग्जाम्पल दैट वी बीन स्टडिंग इज सॉलिड टू लिक्विड टू गैस कैसे होता है इन केस ऑफ वॉटर सॉलिड इज आइस लिक्विड इज वॉटर एंड गैसस्टेट वाटर वेपर्स या फिर स्टीम अगर हम पानी को हीट करते हैं तो वो स्टीम बनती है एंड अगर हम कूल cool करेंगे फ्रीज करेंगे तो वो आइस बन जाएगी सो दिस वॉज वन वे ऑफ ब्रिंगिंग फिजिकल चेंज थ्रू हीटिंग एंड कूलिंग एंड अगर ऐसा ही केमिकल चेंज हमें समझना है सो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ बॉइल्ड एग इज फॉर्म्ड कच्चे अंडे से रॉ एग से लिक्विड स्टेट में होता है उसके इंटरनल uh, पार्टिकल्स जो कि बॉइल होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाते हैं सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं जब हम बॉइल करते हैं दैट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग हीट तो यहां पे भी एक केमिकल चेंज आया एक न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म हुआ सो दिस वॉज अ केमिकल चेंज नेक्स्ट जो लास्ट एग्जाम्पल है वो आप लोग ने बहुत बारी देखा होगा बट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड लर्न सम न्यू वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट दैट इज इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट एयर से होता है कोरोजन। करोजन क्या होता है हम तीन एग्जाम्पल्स लेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल इज द केस ऑफ आयरन जो कि लोहा होता है सेकेंड इज सिल्वर जिसको चांदी बोलते हैं एंड थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे कॉपर जो कि तांबा होता है नाउ यू वुड हैव ये आपने देखा होगा कई बार दैट uh, इज अगर हम थोड़ी देर खुले एयर में कुछ टाइम के लिए कुछ डेज के लिए लोहे को रखते हैं तो वो ऐसा उसमें एक रस्ट फॉर्म हो जाती है ये हमने पिछले से पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था हाउ रस्ट इज फॉर्म्ड अगर सिल्वर के केस में वो थोड़ा काला पड़ जाता है चांदी काला पड़ जाता है एंड कॉपर के केस में हल्का सा ग्रीन और डल सा इफेक्ट uh, आता है एंड दिस इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ करोशन इन दीज मेटल्स जब उनका लस्टर इफ यू रिमेम्बर यूट स्टडीड वो चला जाता है एंड दिस हैपन्स बिकॉज देर इज सम मॉइस्चर इन द एयर देर आर सम वाटर पार्टिकल्स इन द एयर जिसकी वजह से ये तीनों चीजें थोड़ी खराब होने लग जाती हैं इसको बोलते हैं ये जो लेयर्स फॉर्म होती है रस्ट की या फिर काले वाली लेयर या ग्रीन वाली लेयर इनको बोलते हैं कोरोजन करोजन होता है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर सो वी कैन सी कि यहाँ पे भी देर इज अ चेंज दैट वी कैन सी इन दिस केस रस्ट द ब्लैक लेयर एंड द ग्रीन लेयर तो ये एक और रीजन हो सकता है चेंज का दैट इज इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट एयर वेन देर आर सम वाटर पार्टिकल्स इन द एयर सो वी सो कि कैसे मॉइस्ट एयर मतलब जिस हवा में थोड़ी जब नमी होती है उसकी वजह से कैसे टाइप के चेंजेस आ सकते हैं इन एनी सब्सटेंस